उद्धरम सौकरम वक्त्रम कृष्ण कृष्णम दीप्तन भोपयम। एक तीसरा दर्शन है उत्तराभिमुखी हनुमान, जिस मंदिर में या घर पर उत्तरमुखी हनुमान जी की पूजा की जाती है वहां उपासना पूर्ण मानी जाती है। उत्तरमुखी हनुमान जी की पूजा करने से सभी देवताओं की पूजा मान ली जाती है की प्राप्ति होती है। पश्चिम मुखी हनुमान की पूजा करने से, देखो इनको गरुड़ हनुमान कहते हैं, क्या कहते हैं, गरुड़ हनुमान, जो पश्चिम मुखी मंदिर होता है उनको गरुड़ हनुमान कहते हैं। और भैया इनकी पूजा करने से शरीर के विष की मुक्ति मिल जाती है। किसी ने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, हम आपको बता देते हैं, आपको विषाक्त विषैले जीवों ने काट लिया, सांप बीछी ने काट लिया, तो परेशान मत होइएगा, डॉक्टरी दवा के साथ साथ पश्चिम मुखी हनुमान जी का गरुड़ रूप में ध्यान करिएगा, दवा असर कर जाएगी और विष निकल जाएगा। पूर्वम तु वानरम, पूरब में हनुमान जी की किस रूप की पूजा होती है, जिस मंदिर में हनुमान जी का मुख पूरब की तरफ हो वो पूर्वाभिमुखी हनुमान है, वह बानर रूप में है। हा हा हा, किस रूप में है, बानर रूप में है। और बानर रूप में पूर्व मुखी हनुमान जी की पूजा करने वाले भक्त को हनुमान जी शत्रुओं से निजात दिलवा देते हैं।